hello friends friends i am priyanka and you are watching priyanka's teaching friends today i am going to explain you the poem on killing a tree this beautiful poem contains four stanza and uh, every stanza contains different lines in first stanza there are nine lines in second stanza nine lines third stanza contains eleven lines and the last and fourth stanza contains only six lines okay इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम इट इज गिवन दैट यू मस्ट हैव पीपल कटिंग डाउन ट्रीज आपने जरूर जो है लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा बट कैन दे किल अ ट्री क्या सिर्फ काट देने से वो पेड़ों को मार सकते हैं इज इट इजी टू डू सो क्या ऐसा करना पेड़ों को मारना बहुत आसान है लेट्स रीड द पोएम चलिए पोएम को पढ़िए एंड फाइंड आउट और ये देखिए ये पता लगाइए ये खोजिए व्हाट द पोएट सीज ऑन किलिंग ट्री की इस कविता में जो पोएट है गिव पैटल वो क्या कहते हैं पेड़ों को मारने के बारे में उनका क्या है ठीक है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल आई विल डू रीडिंग द पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द दोएम स्टेंज अज सो बी विद मी एंड लेट स्टार्ट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ ऑफ द नाइफ विल डू इट It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So, hack and chop, but this alone wouldn't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs miniature boughs which is unchecked will expand again to former size no the root is to be pulled out out of the anchoring earth it is to be roped tied and pulled out snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed the source white the source white and wet the most sensitive hidden for years inside the earth then the matter of scorching and choking in the sun and air browning hardening twisting withering and then it is done friends you can see that there is no any rhyming scheme and this poem is a free verse poem uh, one outline i want to give you about this poem मीन्स पोइट जो है वो यहाँ पे कहना चाहता है कि सिर्फ पेड़ को काट देने से जो पेड़ है जो ट्री है वो पूरी तरह से नहीं मरेगा ठीक है वो फिर से वहीं से ग्रो करेगा जहाँ से उसको काटा गया है और इसको जो है ख़त्म करने के लिए इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको किल करने के लिए हमें क्या करना होगा इसको किल करने के लिए हमको इसको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा उखाड़ना पड़ेगा इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा मीन्स फ्रेंड्स हियर द पोएट सेंसिटाइजेज द रीडर एंड हाईलाइट द फैक्ट द ट्रीज आर लिविंग थिंग्स मेनली वो हमसे ये कहना चाहता है कि ये जो ट्रीज है ना वो भी लिविंग थिंग्स है ही इक्वेट द ट्रीज विद ह्यूमन बींग्स टू कन्वे दैट ट्री शुड नॉट बी कट बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्री इज जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बींग यहाँ पे जो पोइट है वो कहना चाहता है कि वो पेड़ों को किसकी तरह बता रहा है वो बिल्कुल हमारी तरह बता रहा है ह्यूमन बींग की तरह बता रहा है वो कहता है कि इनको डिस्ट्रॉय करना जो है इतना आसान नहीं है ठीक है इनको डिस्ट्रॉय करना इनको मारना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ह्यूमन बींग को मारना है नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम स्टेंजा वाइज सो बी विद मी एंड लेट स्टार्ट पोइट यहाँ पे कहता है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ ऑफ द नाइफ विल डू इट पोइट यहाँ पे कहता है कि अगर हमें किसी पेड़ को मारना है तो सिर्फ उस पर एक कट कर देने से जैब मीन्स टू सडन रफ ब्लो ठीक है यहाँ पे पोइट कहता है कि सिर्फ एक सिंपल जैब कर देने से जो है केवल चाकू से या कुल्हाड़ी से मार देने मात्र से जो ट्री है वो नहीं मरेगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ यहाँ पे पोइट कहता है कि ये जो ट्री है जिसको हम केवल एक जैब से जैब ऑफ नाइफ से काटना चाहते हैं उसने बहुत वो धीरे धीरे ग्रो किया है उसने अर्थ से मिनरल्स को कंज्यूम किया है राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट इसने जो है अर्थ के क्रस्ट क्रस्ट मीन्स ज आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ठीक है अर्थ के ऊपर के हिस्से से इसने बहुत मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है और तब वो इतना बड़ा पेड़ बना है एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर इसने नेचर से जो है सनलाइट को एयर को वाटर को सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स और तब जो है ये पेड़ जो है क्या हुआ है इतना बड़ा पेड़ हुआ है तो इसको मात्र एक जैब ऑफ द नाइफ से केवल एक चोट से काटना जो है आसान नहीं है मीन्स हियर द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल टू ग्रो इन टू अ बिग ट्री ओके पोइट यहाँ पे कहता है कि जो पेड़ है ना वो बहुत से न्यूट्रिशंस को लेके जो है इतना बड़ा पेड़ बना है ओके इट इज फॉर्मली बाउंड विद द सॉयल इट टेक्स अ सन लाइट वाटर एंड एयर टू ग्रो इन टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमिरस लीव्स वो कहता है कि इतनी इतने ईजिली जो है इतना बड़ा पेड़ नहीं बना है उसने कई हजार साल की सनलाइट को एयर को और वाटर को एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर और तब उसके जो लेपरस हेड है जो उसकी छाल है जो उसकी आ, ब्राउन कलर की डिसकलर्ड छाल है उससे जो है इतने ढेर सारे पत्ते बाहर आए हैं नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सो है कैन बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट इसलिए पोइट यहाँ पे जो है यहां पे क्या कर रहा है पोइट यहाँ पे बता रहा है कि हमको किस तरीके से पेड़ को काटना है किस तरीके से उसे मारना है ओके okay? वो कहता है सो है कैन चॉप इसलिए हमको सिर्फ एक जैब से काम नहीं चलेगा हमें उसे छोटा छोटा काटना पड़ेगा बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट लेकिन सिर्फ इतना ही मात्र करने से जो पेड़ है वो मरेगा नहीं Not so much pain will do it. द ब्लीडिंग बाग विल हील कहता है कि जब हम उसको चॉप करेंगे हैक करेंगे तो वो यहाँ पे क्या है जो प्लांट्स है जो ट्रीज हैं वो लिविंग बींग है ना तो उसको क्या कर रहा है जो पोएट है उसको ह्यूमन बींग की तरह बताते हुए कह रहा है कि पेड़ को भी जो है वो पेन होगा एंड ब्लीडिंग बाग विल हील ब्लीडिंग बाग मतलब जैसे हमको काटने पर खून निकलता है ना वैसे ही जो ये पेड़ हैं उनको भी जब हम हिट करते हैं जब हम काटते हैं तो उनके अंदर से भी एक लिक्विड निकलता है जिसे हम सैप कहते हैं उसी को यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहा है कि द ब्रीडिंग बार्क विल हील जहां से हम पेड़ को काटते हैं जहाँ चोट पहुँचाते हैं फिर से वो जगह जो है वो क्या हो जाएगी वो हील कर जाएगी ठीक कर जाएगी एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कॉल ग्रीन ट्विग मिनिएचर इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू अ फॉर्मर साइज और पॉइंट यहाँ पे कहता है कि अगर हम चेक ना करें अगर हम बार बार पेड़ को ना देखें उसे सिर्फ काट के और छोड़ दें तो बिल्कुल पेड़ में नीचे की तरफ से क्या होंगे अगर हम ध्यान ना दें तो फिर से जो है कर्ल ग्रीन टूवे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल आएंगे नन्हे नन्हे पत्ते निकल आएंगे और अगर हम उनको ध्यान ना दें तो फिर वो उतने ही बड़े पौधे बन जाएंगे जितने बड़े कि वो पहले थे उतना ही एक्सपेंड कर जाएंगे उतना ही फैल जाएंगे जितना कि वह वो पहले थे इट द पोइट सेज दैट ग्रेजुअली दिस वुंड वुड हील धीरे धीरे ये जो हम उसको चोट दे रहे हैं घाव दे रहे हैं वो क्या होगा वो भर जाएगा एंड वॉट विल ग्रोइंग अगेन ओके नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन थर्ड स्टैंड नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट और अब यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि नहीं अगर हमें पेड़ को काटना है अगर हमें पेड़ को मारना है तो हमें क्या करना होगा हमें उसकी रूट्स को उखाड़ना होगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ कहाँ से पेड़ जमीन के अंदर से जहाँ पे अर्थ के अंदर तेजी से जो जड़ है उसने क्या किया है वी आर नोइंग ना कि जो जड़ होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं तो पृथ्वी के अंदर जहाँ पे जड़ों ने जहाँ रूट्स ने जो है सॉइल को एकदम पकड़ के रखा है वहाँ से हमें उसे क्या करना होगा उखाड़ना होगा इट इज टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट और हमें क्या करना होगा जड़ में प्लांट के जो रूट्स हैं उसमें रस्सी बांध के खूब जोर से रस्सी बांध के उन्हें खींचना होगा उन्हें स्नैप आउट करना होगा उन्हें बाहर निकालना होगा और पुल्ड आउट एंटायरली उसे पूरी तरीके से बाहर निकालना होगा आउट फ्रॉम द केव अर्थ आपने देखा है ना बड़े बड़े पेड़ की बड़ी बड़े जड़ें होती हैं जो अर्थ के अंदर बिल्कुल बहुत बड़ा सा एक जो है पिट बना के केव की तरह बना के उसके उसमें रहती हैं तो यहाँ पे पोइट कहता है कि उस अर्थ केव से जो है हमको इसको पूरा एंटायरली पुल्ड आउट करना होगा एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज और फिर क्या होगा जब जड़ बाहर चली आएगी तो हमें पता चलेगा कि ट्री की क्या स्ट्रेंथ थी और उसे हमें एक्सपोज करना होगा द सोर्स वाइट एंड वेट वो जड़ें कैसी होंगी नन्ही नन्ही सफ़ेद सफ़ेद और डैम्प नम होंगी भिगी होंगी क्यों बिकॉज दे आर इनसाइड द अर्थ द मोस्ट सेंसिटिव हिडन For फॉर in inside the earth and roots are the most sensitive part of the uh, of the tree. ये roots क्या हैं ये trees के बहुत sensitive part हैं जो earth के अंदर जो है कई thousand years से 100 years से earth के अंदर छिपी पड़ी hai हमें इसे क्या करना होगा हमें इसे tie करके जो है इसे रोपड करके इसे बाहर खींच के एंटायरली निकालना होगा मीन्स द पोइट वॉन्ट्स टू that द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ द ट्री क्या है यहाँ पे रूट है तो पोइट कहता है कि जो ट्री का सबसे सेंसिटिव और हिडन पार्ट है उसको हमें क्या करना है वी हैव टू डिटैच हमें इसे अलग करना है कहाँ से अलग करना है फ्रॉम द मदर अर्थ मदर अर्थ से अलग करना है और वो कैसी है दैट इज़ वाइट इन कलर एंड आर डैम तो यहाँ पे पोइट कहता है कि जब तक हम रूट को बिल्कुल निकाल के बाहर नहीं करेंगे तब तक जो ट्री है वो नहीं मरेगा नाउ कम ऑन द लास्ट एंजर देन द मैटर Of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Means यहाँ पे poet कहता है कि जब एक बार जड़ को जो है पेड़ की जड़ को निकाल दिया जाएगा उखाड़ दिया जाएगा तो क्या होगा देन ग्रेजुअली इट विदर्स एंड dries अप ये क्या होगा ये धीरे धीरे सूख जाएगा ठीक है ये नष्ट हो जाएगा विदर मीन्स नष्ट होना किस चीज से विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड ये सन के हीट से और विंड से जो है ये क्या होगा धीरे धीरे ये सूख जाएगा और इससे जो इसका तना है वो कैसा हो जाएगा वो ब्राउनिंग भूरा हो जाएगा हार्ड हो जाएगा ट्विस्टिंग एट जाएगा और विदरिंग नष्ट हो जाएगा एंड देन इट इज डन एंड फाइनली द ट्री विल डाय दिस वे मीन्स द पोएट इज सेम की अगर हमें पेड़ को जो है पूरी तरीके से मारना है तो क्या करना होगा हमें इसे पूरा अच्छे से जड़ से पकड़ के निकालना होगा मीन्स द मॉरल ऑफ द पोएम इज दैट मदर नेचर हैज रीजेनरेटिंग पावर्स ठीक है ये जो मदर नेचर है मदर अर्थ है इसके पास क्या है रीजेनरेटिव पावर्स है एंड सो वी कैनॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल थिंग्स द ट्रीज द प्लान्ट ओके एंड फर्दर द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ट्रीज सस्टेन आवर लाइफ एंड हैंस वी मस्ट बी प्रिजर्व इट ठीक है ट्रीज जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भी हमें ट्रीज़ को जो है क्या करना चाहिए प्रिजर्व करना चाहिए उन्हें नष्ट उन्हें मारना नहीं चाहिए फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक द पोएम इफ़ यू लाइक द डिस्क्रिप्शन Please do share other, and we'll thank you for watching.